तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक्सपी पेन की तरफ से आने वाले डीको 01V2। तो इसको देखेंगे, एक ड्राइंग टेबलेट है और बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो चलो इसको देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है, और हाँ, रिव्यू के साथ साथ इस पर हम एक डिजिटल आर्ट करके भी देखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये ड्राइंग टेबलेट आता है ब्लू बॉक्स में, जो कि काफी प्रीमियम और सॉलिड लग रहा है। ओपन करते हैं सबसे पहले ड्राइंग टेबलेट, उसके बाद इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल मिलते हैं, जिनके बारे में एक एक करके बताता हूँ। तो ये है डिजिटल पेन जिससे हम ड्राइंग करेंगे, और इसमें हमें दो बटन भी मिलते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं ड्राइंग के टाइम। और ये काफी ज्यादा लाइट वेट भी है क्योंकि ये बिना बैटरी के आता है, तो चार्जिंग का कोई झंझट है ही नहीं। और इस पेन को होल्ड करने के लिए हमें पेन होल्डर भी मिलता है। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा वेट भी है इसका, अच्छा खासा वेट है, ताकि मतलब ये हिले डुले ना। और नीचे अच्छा खासा यहाँ पे मतलब देखो ग्रिप भी दिया हुआ है, तो हिलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और पेन स्टैंड इसमें काफी अच्छे से मतलब वर्क कर रहा है, बाकी यहाँ से खुलता भी है, तो चलो खोल कर दिखाते हैं आपको इसको। इसके अंदर हम पेन के निब्स को रख सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है, ऐसे में ये गायब नहीं होंगे, और जब हमें जरूरत होगी तो हम इजीली यूज भी कर सकते हैं। बॉक्स में हमें दो OTG एडाप्टर भी मिलते हैं, जिसकी हेल्प से हम टेबलेट को फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है एक्सपी पेन का हैंड ग्लव, जिसे कुछ इस तरीके से पहनकर ड्राइंग करना है। साथ में ये केबल भी है जिससे हम ड्राइंग टेबलेट को PC या मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये रहे कुछ पेपर्स जिसमें ड्राइंग टेबलेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और साथ में वारंटी कार्ड भी है। तो चलो अब फाइनली ड्राइंग टेबलेट को देखते हैं। वैसे मैंने पहले इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा लिया था, ताकि इस पर कोई भी स्क्रैच ना लगे। इसमें हमें टोटल 8 बटन मिल जाते हैं, जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन बटन्स को यूज करने के लिए आपको इसे लैपटॉप या PC से कनेक्ट करना होगा। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो ये काफी ज्यादा स्टाइलिश और सॉलिड भी है। नीचे की तरफ हमें चारों साइडों में रबर की ग्रिप भी मिल जाती है, जिससे कि काम करते टाइम पे इधर उधर हिले ना। और इसका वर्किंग एरिया 10x6.25 inches है, तो इतनी दूरी में हम काम कर सकते हैं। और इसे कनेक्ट करने के लिए इस वाले केबल का यूज करना है, जिसकी लंबाई काफी ज्यादा है। तो चलो अभी इसको कनेक्ट करते हैं। इस ड्राइंग टेबलेट की सबसे खास बात तो ये है कि हम इसे फोन या टेबलेट के साथ भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये मेरा नहीं है, फ्रेंड से मांगा यूज करने के लिए, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले होगा तो वीडियो अच्छा लगेगा। और जैसे इसे कनेक्ट करेंगे इसमें लाइट ऑन हो जाएगा। तो चलो अभी बनाते हैं 15 अगस्त स्पेशल ड्राइंग। ओके, तो मैंने इसको अच्छे से कनेक्ट कर दिया है, और देखो ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ड्राइंग बनाने के लिए मैं स्केच बुक का ये वाला ऐप यूज कर रहा हूँ। तो इसको यूज करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मतलब ब्रश के बारे में, कौन सा ब्रश कैसे होता है। अब देखो, मैं तो फर्स्ट टाइम डिजिटल आर्ट करने वाला हूँ, तो मुझे सब खुद से एक्सपीरियंस करना होगा। बाकी ये बिल्कुल पेपर की तरह वर्क कर रहा है, बस आपका सारा ध्यान सामने डिस्प्ले पर होना चाहिए। तो गाइस, फाइनली पेंटिंग कंप्लीट हो गया, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन यार, इस पेंटिंग को बनाने में मैंने पूरी रात लगा दी। रात के टाइम हम बैठे थे लगभग 9-10 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं। पूरे 12 घंटे में मतलब लगभग वही 1-2 घंटे रेस्ट हुआ होगा थोड़ा बहुत, बाकी तो इसी में टाइम लगा। और फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा सा काफ़ी सारी गलतियाँ भी हुई, उन गलतियों को सुधारने में थोड़ा सा टाइम भी लगा। बाकी यार, जो रिजल्ट निकल कर आया है, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा पहला डिजिटल वर्क है। अगर आपको ये बाय करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ में। और एक्सपी पेन के वेबसाइट पर इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रॉइंग टेबलेट मिल जाएंगे। अगर आप मेरा कोड परम XP यूज करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।